सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम एक और नए वीडियो के साथ में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस टाइप का फोटो एडिटिंग करेंगे। तो गाइस जैसे कि कुछ दिन पहले भी मेरा बर्थडे था, ठीक है। तो गाइस मैंने ये फोटो डाला था अपने कम्युनिटी टाइप में। तो ये मेरे किसी एक फ्रेंड ने मुझे एडिट करके टैग किया था। तो बहुत लोगों ने कहा भाई ऐसा फोटो एडिट कर दो, बट हम वैसा नहीं, आज ऐसा फोटो एडिट करने वाले। देखो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्योंकि यार वो मुझे किसी फ्रेंड ने दिया था, ठीक है। तो मैं वैसा तो नहीं एडिट कर सकता, क्योंकि भाई मेरे पास उसका मटेरियल वैसा वाला नहीं है। तो फिलहाल देख सकते हो हम ऐसा फोटो आज एडिट करना सीखेंगे जो बहुत ही ओपी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एक फ़ोटो लेना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है और भाई फेस को भी स्मूथ कर लेना है। अगर बैकग्राउंड और फेस स्मूथ करना नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे चैनल पर भाई वीडियो पड़ा हुआ है। तो क्या करना है, बस जाना है वीडियो देखना है यार, आप आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क ऐप में। तो भाई सभी हमारा ऑटोडेस्क ओपन हो रहा है, फिलहाल अभी ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी देखो वहाँ सेकेंड वाला ऊपर देखो, जहाँ कैंची का ऑप्शन जैसे दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और भाई अपने फ़ोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी एडजस्ट किया, तो सिंपली आपको ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। तो भाई वहीं सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, इम्पोर्ट इमेज पे जाना है और भाई आपको कुछ बैकग्राउंड्स लगाना है, कुछ नहीं एक ही बैकग्राउंड लगाना है जिसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेयर पर क्लिक करेंगे और भाई उस लेयर को नीचे कर देंगे। तो फिलहाल देख सकते हो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक लग चुका है। तो फिर वही ऑप्शन इंपोर्ट इमेज पे जाएंगे और भाई एक टेबल आपको लगाना है, जो भाई जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो फिलहाल देखो मैं जैसे मैं टेबल लगा रहा हूँ, सिंपली से आपको ऐसे ही टेबल को लगा लेना है। तो भाई एकदम अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भाई थोड़ा आराम से बैठ के बनाइएगा, मेरे तरह जल्दी जल्दी में आप लोग भी मत बना दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली से भाई एडजस्ट करने के बाद उसको डन कर देंगे। डन करने के बाद भाई फिर से सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और भाई जो भी PNG आपको यहाँ पे लगा रहे हो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्या करना है, PNG को डाउनलोड करना है और अपना फ़ोटो बनाना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे, देखो ऊपर थोड़ा सा छूट रहा है, तो आपको थोड़ा भी ऊपर छोड़ना नहीं है, अच्छे से एडजस्ट करना है, सिंपली से उसको डन करना है। और भाई जो टूल्स है उस पर आएंगे और हार्ड इरेजर को चूज करेंगे और भाई अपने फेस से जो भी लाइट्स ये सब गिर रहा है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली से आप देख सकते हो ये भी हमारा डन हो चुका है। तो फिर भाई ये देखो इसको हम ले लेंगे, फिर वही सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और भाई चलो ये जो हैप्पी आई मीन जो बर्थडे बॉय हैश टैग है इसको ऊपर लगाते हैं। तो आपको ऐसे ही ऊपर लगा लेना है जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई उसको ऊपर कर देंगे, जो अभी पीछे से गिर रहा है उस लेयर को ऊपर कर देंगे। तो फिर वही इम्पोर्ट इमेज पे जाएंगे। गाइस मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो पहले जो बियर है इसको यहाँ पर लगा देंगे और फिर वही सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट इमेज पर जाएंगे और भाई एक और बियर लगाएंगे। तो देखते हैं कहाँ गए। तो ये देखो ये रहा, पता नहीं क्या है, ST आई डोंट नो। तो भाई जिस समय इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, सिंपली से आपको इसको भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद से भाई कुछ इमेज और लगाएंगे, तो वही इम्पोर्ट इमेज पे जाएंगे और देखते हैं कहाँ पे। तो फिलहाल कहाँ गया हमारा केक, तो ये देखिए हमारा केक मिल गया। तो भाई इसको भी यहाँ पे हम लगा देंगे, देखो आगे सामने लगा दिए। तो फिर वही इम्पोर्ट इमेज पे जाना है और चलो भाई थोड़ा सा अंगूर लगा लेते हैं, क्योंकि यार समझ गए, ठीक है। तो अभी देखो जहाँ मैं लगा रहा हूँ सिंपली से आपको वहीं लगा देना है, ताकि ये ना लगे भाई बोतल हवा में उड़ रहा है। तो फिलहाल देखो उसको ढक जाता है। तो फिर भाई इम्पोर्ट इमेज पे जाना है, आप लोग पता हो चुका होगा कि इम्पोर्ट इमेज कहाँ है। और उसको भाई पियर जो गिर रहा है इस वाले को लेंगे, कप जो है तो इसको लेंगे, फिर लेयर पे जाएंगे और उस लेयर को नीचे कर देंगे। जैसे देख सकते हो ग्रेप्स के नीचे रखना है और जो भाई ग्रीन वाला है इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो आप देख सकते हो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिंपली से भाई इतना तो अभी आपका हो चुका है। तो यार फिर आपको भी अभी भी इम्पोर्ट इमेज पे ही जाना है। तो चलो जो लगाना है मैं लगा लेता हूँ, भाई आपको एक राइट दिखेगा ऐसा। इसको क्या करना है, अच्छे से एडजस्ट करना है अपने टेबल पे। तो फिलहाल जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, सिंपली से आपको ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिर वही प्रक्रिया जो भी मैंने किया हूँ, ठीक है गाइस। तो इम्पोर्ट इमेज पे जाना है और एक लाइट्स मिलेगा, तो आपको साइड साइड से लाइट्स लगा लेने हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना लगाने के बाद सिंपली से इसको डन करेंगे और भाई इस लेयर को थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे, क्योंकि भाई सबके ऊपर रहना चाहिए। तो फिलहाल देखो अभी हमारा ऑटोडेस्क में कितना अच्छे से फ़ोटो दिख रहा है अभी।
तो सबसे पहले लेयर ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और मर्ज ऑल कर देंगे। तो मर्ज ऑल करोगे तो भाई सब एक में हो जाएगा। और भाई जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अदर्स पे क्लिक कर देंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद भाई कुछ समय लोडिंग लेगा और भाई ऐसा आपके सामने डेस्कटॉप ओपन होगा और इसको शेयर कर लेना है लाइट रूम ऐप में। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी लोडिंग लेगा क्योंकि एडोन में थोड़ा कुछ सेकेंड का टाइम लेता है। और क्या करना है आपको अपना लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। तो लाइट रूम ऐप ओपन करोगे तो देखो इसमें फोटो आ चुका है। तो सबसे पहले अपने फोटो को चूज करेंगे, सबसे पहले लाइट्स में जाएंगे और देखो यहाँ पे हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, शैडो को बस थोड़ा दो पॉइंट आप इंक्रीज कर करें दो या चार, ठीक है। वाइट्स को कम कर लेंगे और ब्लैक को भी कम कर लेंगे। तो अब जैसे आप इतना करोगे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा फोटो दिख रहा है जो भाई ब्लैक एंड वाइट वाला था सिस्टम वाइट। फिर कलर पर जाएंगे, मिक्स पर क्लिक करेंगे और जो देखो सेटिंग ह्यू को कम कर लेंगे, सेचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे और ऑरेंज पे आ जाएंगे और भाई सेचुरेशन को कम करें, लुमिनियंस को ज़्यादा कर देंगे। तो मेरे फेस देखो वाइट हो चुका है। तो सिंपली से आपको ऐसे ही क्लिक कर लेना है। तो भाई रेड में थोड़ा सा मुझे कमी लगा तो मैं उसको वैसे ही कर लूँ। फिर येलो पे आ जाएंगे, सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे और फिर उसके बाद भाई आप यहाँ पे मेरा सेटिंग अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यार जो बैकग्राउंड में कलर्स हैं मैं उन कलर को चेंज करने के लिए यहाँ जो मैं कलर कम बेसी कर रहा हूँ उसके लिए करो। तो आप सेम यही सेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ड्रेस का कलर कोई और है तो भाई उस कलर को छोड़ के आप जो भी मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली आप यही सेटिंग अप्लाई कर लेना, ज़्यादा फोटो खराबी हो नहीं होगा। और भाई एक बात याद रखना, जो ऑरेंज वाला ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करके अपने फेस को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार इतना नॉलेज बहुत हो गया इस के लिए, ठीक। और सबसे पहले इसमें आएंगे डिटेल में, शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और जो डिटेल्स है उसको कम कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, फिर मास्किंग को इंक्रीज करेंगे, नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करेंगे, डिटेल को कम करेंगे, ज़्यादा नहीं डिटेल्स को रखेंगे, ठीक है। तो कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फिर कलर नॉइस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिटेल को कम कर लेंगे, स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद से भाई जो ऑप्टिक्स वाला इस पर आ जाएंगे और जो पहला ऑप्शन है उसको इनेबल कर देंगे। तो फिलहाल अभी हमारा लाइट रूम का भी काम हो चुका है ख़त्म। इसमें ज़्यादा हम कुछ छेड़खानी करने वाले नहीं, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, अरे भाई क्लिक करना, ठीक है। ऊपर देखो शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा भाई शेयरिंग फोटो लिखा हुआ आएगा, थोड़ा सा लेडिंग लेगा और आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, टूल भी जैप जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा उसमें आपको शेयर कर लेना है। तो गाइस जैसे आप शेयर करोगे तो टूल भी जैप ओपन हो चुका है। सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, सॉरी इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में आने वाले जो सॉफ्ट इज मज है उस पर जाएंगे और यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे पाँचवें नंबर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे और भाई यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रश करना स्टार्ट कर देना है, सिर्फ अपने बालों पे ब्रश करना है। और क्या करना है आपको, अपने ड्रेस पे ब्रश कर लेना है। तो फिलहाल चलो मैं अपने ड्रेस पे ब्रश करता हूँ। तो यार एक बात बोलना था आपको, अगर भाई वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार लाइक, यार लाइक करते हो ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है भाई। आप लोग लाइक नहीं करोगे ना तो भाई वीडियो बनाने का मन तो करता है बट मन नहीं लगता है यार, क्योंकि लाइक कमेंट सब नहीं आता है। तो भाई किसी का भी कोई भी यूट्यूबर क्यों ना उसका मन नहीं लगता है वीडियो बनाना, बट आप अगर लाइक कमेंट करोगे तो भाई आपका तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लाइक कमेंट किया करो और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी नई वीडियो है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ सिंपली से ऐसे ही ब्रश कर लेना, सिंपली से उसके बाद डन कर देना है। फिर उसी वाला ऑप्शन पे जाएंगे सॉफ्ट स्मज, ठीक है। तो इसके बाद से अब आते हो भाई तीसरे नंबर पे जाएंगे और भाई जो मास्क है उस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और क्या करना है जो आपके बियर्ड्स हैं और जो मूछें हैं उस पर क्लिक कर लेंगे, आई मीन उस पर ब्रश करना है। तो देख जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ सिंपली से आपको ऐसे ही ब्रश कर लेना है। देख रहे हैं यार फोटो कितना भाई वेक्टर मास्किंग जैसा लग रहा है, बट मुझे अच्छा लगता है यार। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, देखते हैं यार कितने लोग ऐसा पसंद आता है भाई। अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके बता देना कितने लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप टूल्स में जाएंगे और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक फोटो ऐड करना है। तो ऊपर देखो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और चलो भाई इसको ढूंढते हैं हमें कौन सा फ़ोटो लगाना है। तो यार थोड़ा सा ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरे पास फोटो बहुत ज़्यादा है और मैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना चाहता यार, क्योंकि आप लोग बोलने लगते हो भाई वीडियो भी स्किप किया हो कट कर दिए हो। तो ऐसा नहीं है, मैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो भगाकर, ठीक है। तो ये देखो ये ऑरेंज वाला लेना है और भाई स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और इसको क्या करना है थोड़ा सा बड़ा करना है। अबे हो जा भाई थोड़ा सा बड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसको साइड में लगा लेना है। तो फिलहाल अभी हमारा फोटो बन को जो है रेडी। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तो क्या करना है ऊपर जो सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है गाइस। तो बाय बाय गाइस।
जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।